यस तो इस सेशन में हम सीपीएससी का सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जिसका बायोलॉजी पार्ट में आज आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस जो सीबीएसई बोर्ड ने दिए हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कि देखे कि जो सैंपल पेपर है इसमें 3 सेक्शंस हैं जिसमें 15 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के, और सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के। इंटरनल चॉइसेस अवेलेबल होंगी, और इसके अलावा जो इंटरनल चॉइसेस हैं उसमें कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो सैंपल पेपर में है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है लेकिन सैंपल पेपर में आपका ये बायो का क्वेश्चन नंबर 3 है। दैट ट्रेस द पाथ अ मेल गैमेट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द पेनिस, स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ जायगोट। क्वेश्चन क्या है कि मेल गैमेट किस पाथवे से एंटर करता है इनटू द फीमेल, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो मेनली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना क्योंकि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो हम बहुत सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे। मेल गैमेट एंटर करेगा कहाँ से, सर्विक्स के थ्रू एंटर करेगा। यहाँ पर मैं पहले पार्ट्स बता देती हूँ कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें एक पेयर होती है फेलोपियन ट्यूब्स की, एक पेयर ओवरी, दिस इज द यूट्रस, दिस इज द सर्विक्स, और सर्विक्स के नीचे होती है वजाइना। ड्यूरिंग इंटरकोर्स स्पर्म एंटर करता है थ्रू सर्विक्स, यूट्रस से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब में जाता है, फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद में यहाँ पर स्पर्म पहुंचता है, इतनी देर में एग रिलीज होता है फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी, और एग इस फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यहाँ पहुंचता है और इस जगह पर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें एक पाथवे लिखना है दैट वजाइना, वजाइना के बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब से बनता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है जायगोट। सेकेंड पार्ट क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ जायगोट, कितने सेट क्रोमोसोम्स के जायगोट में प्रेजेंट होते हैं। यहां पर हम सिंपल बोलेंगे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेट पूछा है इसलिए हम 2n बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बोला होता तो हम कहते 23 पेयर या 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखो यहाँ पर 2n नंबर का मतलब क्या हुआ, हमारे पास में फीमेल गैमेट है ओवम और मेल गैमेट होता है स्पर्म, स्पर्म के अंदर n नंबर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ओवम के अंदर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है इनटू दिस फेलोपियन ट्यूब तो n और n मिलके बनाते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं जायगोट के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेम इट्स वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फर्स्ट को पार्ट क्या है, राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड, स्टेल का मतलब होता है जो बासी ब्रेड होती है। सपोज हम कहीं से आए और हमारे घर में ब्रेड रखी हुई है, लेकिन अगर हम उस ब्रेड को खाना चाहेंगे तो हमें उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग दिखाई देती है। क्या है वो कोटिंग, कोटिंग होती है फंगस की, ठीक है। फंगस जनरली कलरफुल होती है, जैसे कि अगर हम ब्रेड के ऊपर देखते हैं तो ग्रीन कलर की होती है, पोटैटो के ऊपर देखते हैं तो भी ग्रीन कलर की होती है, लेकिन अगर हम किसी खाने के ऊपर जैसे सपोज हम चपाती के ऊपर देखेंगे ग्रीन कलर की होगी, लेकिन कहीं कहीं पर व्हाइट कलर की भी फंगस होती है। तो जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है या जो फंगस है उसका नाम है दैट इज नोन एज द ब्रेड मोल्ड और राइजोपस, ठीक है। स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसका स्पोर फॉर्मेशन है। लेकिन अगर हम राइजोपस की बात करते हैं या फंगस की बात करते हैं तो तीनों मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के, उसमें स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, वेजिटेटिव मोड भी होता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग 11th-12th में पढ़ते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इट इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं इसमें देखो। अब यहाँ पर वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ने से पहले हमें इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये जो हमें एक लॉन्ग ये एक स्टेम टाइप ये जो छोटा सा हमें ये दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज नोन एज हाइफा, ठीक है। और बहुत सारे हाइफा मिलकर बनाते हैं माइसीलियम। इसके अलावा ये जो पोर्शन है हॉरिजॉन्टल पोर्शन, इसे हम कहते हैं स्टोलन, जो कि सबस्ट्रेटम पर राइजोपस को अरेंज करता है।
इसके बाद रूट लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नॉट एक्चुअली द रूट्स, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर नोन एज राइजोइड्स। ठीक है, तो अगर एक नेटवर्क बना देता है हाइफा तो उसको हम माइसीलियम भी बोलते हैं। दिस इज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ दिस राइजोपस। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है दिस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स इसके अंदर बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही कंडीशंस सही समय आता है या फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये स्पोरेंजियम क्या करता है, ये बर्स्ट हो जाता है और स्पोर्स चारों तरफ फैल जाते हैं और फैलने के बाद में ये नए राइजोपस में डेवलप हो जाते हैं। उसी तरीके से जो वेजिटेटिव पार्ट है इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है, अगर फ्रेगमेंटेशन के बाद में जैसे सपोज हाइफा है, हाइफा यहाँ से टूट जाए या स्टोलन टूट जाए या राइजोइड्स भी टूट जाए तो, और फ्रेगमेंट होने के बाद में, टूटने के बाद में ये नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल क्या हुआ? इट इज द राइजोपस, दैट इज द ब्रेड मोल्ड। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव पार्ट इज हाइफा और माइसीलियम एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द स्पोरेंजियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई सैंपल पेपर। दैट इज मस्टर्ड वाज ग्रोइंग इन टू फील्ड्स ए एंड बी। दो फील्ड हैं ए और बी जिनमें मस्टर्ड ग्रो हो रही है। फील्ड ए प्रोड्यूस्ड ब्राउन कलर्ड सीड्स, फील्ड बी प्रोड्यूस्ड येलो कलर्ड सीड्स। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इन फील्ड ए ब्राउन, फील्ड ए में ब्राउन कलर के सीड प्रोड्यूस हुए हैं और फील्ड बी में येलो कलर्ड के सीड प्रोड्यूस हुए हैं। ऑब्जर्व क्या किया फील्ड ए में, दैट ऑफस्प्रिंग शोड ओनली द पेरेंटल ट्रेट फॉर कंसेक्यूटिव जनरेशन। मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन फील्ड ए में सिर्फ ब्राउन कलर के ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए, लेकिन फील्ड बी में जो ऑफस्प्रिंग्स थे उनमें वेरिएशन था, उसका रीजन क्या है? ठीक है, अब देखो फील्ड ए में रीजन जो था पेरेंटल ट्रेट आने का वो क्या था, हम लोगों ने मेरी जो पिछले मेरे वीडियोस हैं, मेरे पिछले सेशंस हैं उनमें मैंने आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया हुआ है। आप फटाफट मेरी वीडियोस को साइफॉक चैनल को खोलो और खोलने के बाद में उसमें वीडियोस पे स्टडी करो। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, सपोज मैंने जो ब्राउन कलर था उसके लिए मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एलेल्स बी कैपिटल बी से, और उसको मैंने क्रॉस करवा दिया, सपोज मैंने कोई भी मस्टर्ड ले लिया, व्हाइट कलर की मस्टर्ड ले ली व्हाइट कलर से, जिसको हमने रिसेसिव एलील है उससे हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया। हमने इन दोनों को क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद में जो मुझे F1 जेनरेशन मिली वो क्या मिलती है, दैट इज कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। देखो यहाँ पर क्या है, ये डोमिनेंट होमोजाइगस एलील है, ये रिसेसिव होमोजाइगस एलील है, लेकिन हमें जो जेनरेशन मिलती है वो कैपिटल बी और स्मॉल बी मिलती है। तो कैपिटल बी डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट जीन जहां पर भी प्रेजेंट होगी तो जो कैरेक्टर शो होगा ऑफस्प्रिंग में वो डोमिनेंट जीन ही एक्सप्रेस करेगी, दैट इज ऑल ब्राउन। ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं इफ बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव ऑल द टाइम प्रोजेनी विल बी ब्राउन ओनली। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव है तो हर बार जो प्रोजेनी बनेगी वो क्या बनेगी, वो हर बार ही ब्राउन कलर की प्रोजेनी बनेगी, लेकिन होना क्या चाहिए, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। अब आ जाते हैं फील्ड बी की तरफ। फील्ड बी में हमने येलो कलर के मस्टर्ड सीड्स लिए और उसको हमने क्रॉस करा दिया सपोज ग्रीन कलर के मस्टर्ड सीड्स से। ठीक है, तो F1 जनरेशन क्या मिलेगी हमें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सारे येलो कलर के मस्टर्ड सीड्स हैं क्योंकि जो डोमिनेंट जीन है दैट इज कैपिटल वाई येलो कलर। अब हमने क्या किया, इनको करवा दिया सेल्फ पॉलिनेट। सेल्फ पॉलिनेट करवाने के बाद में जो मुझे गैमेट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पर हम एक रूल फॉलो करते हैं 13 23 14 24, यानी कि 13 23 14 24 का। ठीक है, तो 13 का मतलब हो गया 13। फर्स्ट को हम क्रॉस करवाएंगे थर्ड के साथ में 23, सेकेंड को थर्ड के साथ में 14, यहाँ पर आ गया 14, यानी कि फर्स्ट को फोर्थ के साथ में ये आ गया, और 24 सेकेंड को फोर्थ के साथ में।
तो हमारे पास में जो गैमेट्स मिलेंगे यानी कि जो हमें जेनरेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि हमें मिलता है हर बार डोमिनेंट जीन येलो कलर। तो तीन इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो क्या बनेंगे, येलो कलर के, और चौथा बनेगा, फोर्थ वन बनेगा ग्रीन कलर का। मतलब क्या हुआ कि जब हमने हेट्रोजाइगस जेनरेशन को यानी कि F1 जेनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो यहाँ पर आ गया वेरिएशन। अब वेरिएशन किस वजह से आया, रैंडम मेटिंग हो सकती है, अचानक मेटिंग हो गई किसी के साथ, रैंडम फर्टिलाइजेशन किसी का किसी के भी साथ में फर्टिलाइजेशन हो गया, और तीसरा हो गया रिकॉम्बिनेशन कोई भी किसी के साथ में फ्यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे तीन आर आते हैं फॉर वेरिएशन, दैट इज रैंडम मेटिंग, रैंडम फर्टिलाइजेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। तो हमारे पास में आंसर क्या आता है, फील्ड ए में रीजन क्या है पेरेंटल ट्रेट का इन कॉन्सिक्यूटिव जनरेशंस, दैट होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव जब आपस में क्रॉस करते हैं तो हमें मिलते हैं सारे के सारे पेरेंटल ट्रेट। और फील्ड बी में हमें क्या मिलेगा, हमने क्या किया जो F1 जनरेशन आई उसे हमने सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेट करवाने के बाद में हमें मिलता है वेरिएशन, तीन मिलते हैं हमें येलो कलर के ट्रेट्स और चौथा मिलता है हमें ग्रीन कलर का ट्रेट। अभी सी का जो सेकंड पार्ट है यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, इन एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज इफ अ ट्रेट एक्स एग्जिस्ट इन 5% ऑफ अ पॉपुलेशन एंड ट्रेट वाई एग्जिस्ट इन 70% ऑफ द सेम पॉपुलेशन विच ऑफ द टू ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। हमारे पास में एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है, सपोज वाई स्पीशीज है हमारे पास। अब वाई स्पीशीज क्योंकि नंबर ज्यादा है, देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है वो पहले आता है, वो अराइज पहले करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में एक ही पॉपुलेशन है, वाई पॉपुलेशन। अब वाई पॉपुलेशन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत जल्दी 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 रिप्रोडक्शन होता है। अब जल्दी जल्दी जो रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे जनरेशन 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 बनती चली जाती है, लेकिन उन्हीं में एक जो था वो था इंडिविजुअल था, सपोज बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया ने क्या कहा कि मैं तो नहीं करता एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बिल्कुल तुम्हारी तरह से, वो क्या किया उसने अलग तरीके से रिप्रोड्यूस किया, और अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करने से उसने अपनी एक अलग स्पीशीज बनाई। अब जो स्पीशीज तो थी वाई, लेकिन उसमें आ गया म्यूटेशन, म्यूटेशन आने के बाद में चेंजेस आ गए, और जब चेंजेस आए तो जो एक्स था बैक्टीरिया था उसने अपनी जनरेशन को इंक्रीज करना शुरू किया, तो अब जो जनरेशन बनी वो जो वाई जनरेशन थी उसकी 5% थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्स ट्रेट आया बाद में, एक्स जनरेशन बाद में आई और वाई जनरेशन ऑलरेडी थी, और उसी वाई में से एक बैक्टीरिया ने एक इंडिविजुअल ने क्या किया अपने आप को म्यूटेट करके नई जनरेशन बना। ठीक है, तो कौन सी जनरेशन पहले आई, हमारा आंसर हो जाएगा वाई जनरेशन, इट अराइजेस अर्लियर। नाउ अब हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इन सीबीएसई सैंपल पेपर, दैट इज डीडीटी वाज स्प्रेड इन अ लेक टू रेगुलेट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोस, हाउ वुड इट अफेक्ट द ट्रॉफिक लेवल्स इन द फॉलोइंग फूड चेन एसोसिएटेड विद द लेक, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि जो एक्वेटिक हैबिटेट था, एक्वेटिक हैबिटेट कुछ भी हो सकता है, एक्वेटिक के अलावा टेरिस्ट्रियल भी हो सकता है, डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड है जिसका स्प्रे किया मॉस्किटोज को की ब्रीडिंग को रोकने के लिए, तो ट्रॉफिक लेवल को किस तरीके से वो अफेक्ट करता है फूड चेन के अंदर जो कि लेक के अंदर है। डीडीटी क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है, तो फूड चेन में एंटर करता है। मान लो हमने फूड चेन हमने स्प्रे किया एक्वेटिक में, हमने रिवर में भी स्प्रे कर दिया, हमने खेतों में लैंड पे भी स्प्रे कर दिया और एयर में भी चला गया। अब उस केस में क्या होगा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक एनवायरमेंट में अगर हम करते हैं तो एक्वेटिक एनवायरमेंट हो गया कि सबसे पहला देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर एक हमने ट्रॉफिक लेवल बना लिया, फूड चेन बना ली। फूड चेन को हम इस तरीके से एरो की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पिरामिड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्वेटिक एनवायरनमेंट सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो होता है जनरली प्रोड्यूसर्स का, या लार्ज सबसे ज्यादा एनिमल्स जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं उसको हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में रखते हैं। उसके बाद प्लैंकटॉन्स आ गए यानी कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाया स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश को खाया लार्ज फिश ने, और लार्ज फिश को खाया हॉक ने। अब सपोज यहाँ पर डीडीटी का स्प्रे हुआ,
डीडीटी का स्प्रे में कुछ जो जो प्लैंकटॉन्स थे उन्होंने कुछ तो ले लिया यहां से, ठीक है, कुछ ले लिया एनवायरमेंट से, कुछ ले लिया लैंड से। अब जो प्लैंकटॉन्स थे उनको खाया स्मॉल फिश ने, स्मॉल फिश ने कुछ एनवायरमेंट से लिया, कुछ प्लैंकटॉन्स से लिया, तो परसेंटेज जो थी डीडीटी की वो स्मॉल फिश में इंक्रीज हो गई। उसी तरीके से लार्ज फिश में इंक्रीज हुई, लार्ज फिश में स्मॉल फिश से भी आया, बाहर से भी आया, हॉक में लार्ज फिश से भी आया और बाहर से भी आया। तो उससे का मतलब क्या हुआ कि जो डीडीटी था वो एक्यूमुलेट होता चला गया ट्रॉफिक, जो आगे तक के ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनमें, फूड चेन में, ठीक है। प्लैंकटॉन से ज्यादा था स्मॉल फिश में, स्मॉल फिश से ज्यादा था लार्ज फिश में, और लार्ज फिश से ज्यादा था डीडीटी हॉक के अंदर। इसको हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट होता चला गया, ठीक है। अब क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जल्दी खत्म तो होता नहीं है, तो जो हायर एनिमल है फूड चेन में या पिरामिड में, जो टर्जरी ट्रॉफिक लेवल है, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी, इसके बाद नहीं होता है, तो टर्जरी जो ट्रॉफिक लेवल है यहाँ तक आते आते डीडीटी की कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई, और इसको, इस लेवल को या इस फिनोमिना को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो हाईएस्ट लेवल पेस्टिसाइड का किसमें था? हाईएस्ट लेवल पेस्टिसाइड का था हॉक के अंदर, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसके ही ऑप्शनल क्वेश्चन है। ये हमारे पास में फूड चेन गिवन है, वर्टिकल एरोस है, वर्टिकल एरोस एनर्जी लॉस बताते हैं टू द एनवायरनमेंट, एंड हॉरिजॉन्टल एरोस इंडिकेट एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यानी कि दीज आर द ग्रीन प्लांट्स, ये डियर हो गया, ये टाइगर हो गया। फूड चेन में अगर हम देखेंगे तो वर्टिकल एरोज जितनी एनर्जी लॉस हुई एनवायरमेंट में चली गई वो दिखाता है, और जो हॉरिजॉन्टल एरोज है ये एनर्जी ट्रांसफर बता रहे हैं एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ए सी एंड ई में किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हुई, दूसरा बी एंड डी में एनर्जी ट्रांसफर सबसे ज्यादा किसमें हुई। अब देखो यहाँ पर हम फॉलो करेंगे 10%। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ले लिया है, डायग्राम में क्या है, सपोज ये बिल्कुल सेम डायग्राम है, देखो दीज आर द प्लांट्स, प्लांट्स में सपोज यहाँ पर सन से आई 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी, 10% लॉ के अकॉर्डिंग 10% एनर्जी तो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, या हम ये भी कह सकते हैं फूड चेन में प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में, फर्स्ट जो हमारा यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। 90% एनर्जी वापस चली जाती है एनवायरमेंट में। तो सपोज सनलाइट एनर्जी में 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर्स ने एब्जॉर्ब की, अब इसमें से 10% लॉ के अकॉर्डिंग 10% एनर्जी यानी कि 100 जूल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो गई फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द हर्बीवोर्स सेकेंडरी लेवल पर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर, और 100 जूल्स में 900 जूल्स वापस चली गई एनवायरमेंट में, लॉस्ट हो गई। अब फिर से 100 जूल्स में से 10% ट्रांसफर हो गई टू द टर्शियरी ट्रॉफिक लेवल यानी कि लायन के पास, और 9 बाकी का जो 90% था यानी कि 100 जूल के में 10 जूल तो ट्रांसफर हो गई लायन के पास और 90 जूल वापस चली गई एनवायरमेंट के अंदर। अब इस 10 जूल से भी मान लो अब ये लायन है ये टर्शियरी ट्रॉफिक लेवल में आ गए, इसके बाद डिकम्पोजर्स आते, तो 10 जूल का 10% ट्रांसफर हो गया किसमें, डिकम्पोजर्स में यानी कि 1 जूल, और 9 जूल फिर से एनवायरमेंट में एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो अगर हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो यहाँ पर देखो 1000 जूल्स में जो एनर्जी एनवायरमेंट में गई 900 जूल सबसे ज्यादा गई, 900 सेकेंडरी टर्शियरी लेवल में 90 जूल एंड देन 9 जूल, तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर लॉस कहाँ पर हुआ, ये हुआ यहाँ पर, यानी कि ए एरो ए जो है ये शो करता है मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। उसी तरीके से बी करता है 100 जूल एनर्जी ट्रांसफर, सी करता है 10 जूल, डी करता है 10 जूल एनर्जी ट्रांसफर, तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर किसमें हुआ, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हुआ बी के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा वर्टिकल एरो ए इसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट हुआ एंड हॉरिजॉन्टल एरो बी में मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आंसर्स भी लिख दिए, आप लोग इजीली इनको कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू पी प्लांट्स, वन विद राउंड येलो सीड्स एंड अनदर विद रिंकल्ड ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस F1 प्रोजेनी दैट हैव राउंड येलो सीड्स। दो पी प्लांट है जिनमें एक के पास येलो सीड्स है,
राउंड येलो सीड्स है, कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों डोमिनेंट है, एनदर विद रिंकल ग्रीन यानी कि दोनों रिसेसिव जीन्स हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इन्होंने प्रोजेनी F1 प्रोड्यूस की जिनमें है राउंड येलो सीड्स यानी कि दोनों डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है, तो इसलिए जो हमें ट्रेट मिलेगा या हमें जो कैरेक्टर मिलेगा वो हमें डोमिनेंट जीन का मिलेगा, दैट इज राउंड एंड येलो। अब हमने F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट करा दिया, ठीक है, सिंपल सा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने F1 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट कराया तो नया कॉम्बिनेशन जो मिला हमें वो मिला F2 प्रोजेनी के अंदर। हाउ मेनी सीड्स विद दीज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स विल बी प्रोड्यूस्ड, वेयर अ टोटल 160 सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि F1 प्लांट्स को अगर हम सेल्फ पॉलिनेट करवाते हैं तो जो नया कॉम्बिनेशन मिलेगा वो हमें F2 प्रोजेनी में मिलेगा। कितने सीड्स हमारे पास में 160 सीड्स है, 160 सीड्स में कितने सीड्स जो है नए कॉम्बिनेशन के साथ में प्रोड्यूस होंगे, नए कॉम्बिनेशन के अदर देन दिस राउंड येलो सीड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मैंने ये इमेज बना दी है राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन। हमने क्या किया, अब उनके गैमेट्स हैं राउंड येलो के RY कैपिटल R कैपिटल Y और रिंकल ग्रीन के हो जाएंगे स्मॉल R स्मॉल Y। इन दोनों को सेल्फ पॉलिनेट करवाया, हमने इनके गैमेट्स बनाए तो हमें F1 जनरेशन मिलती है कैपिटल R स्मॉल R एंड कैपिटल Y स्मॉल Y, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है F1 जनरेशन। इसको सेल्फ पॉलिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। हम पहले गैमेट्स बनाएंगे, वही सेम हम लॉ फॉलो करेंगे। लॉ हमारा कौन सा था, लॉ हमारा था वही 13, 23, 14, 24 का, ठीक है। 13, 23 का मतलब है फर्स्ट को थर्ड के साथ यानी कि कैपिटल R कैपिटल Y, 23 सेकेंड को किसके साथ में थर्ड के साथ स्मॉल R कैपिटल Y, ये आ गया। उसके बाद 14 यानी कि फर्स्ट को फोर्थ के साथ कैपिटल R स्मॉल Y एंड 24 यानी कि सेकेंड को फोर्थ के साथ में स्मॉल R स्मॉल Y, गैमेट्स बन गए। इनको हम सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे तो हमारे पास में ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा जो कि रेशियो होगा 9:3:3:1 का। टोटल नंबर जो हमें कैरेक्टर्स मिलेंगे वो मिलेंगे हमें 16, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल हो गए हमारे पास में 16 प्लांट्स हमें मिले, 16 कैरेक्टर्स में 16 प्लांट्स मिले। हमारे पास सीड्स कितने हैं 160, रेशियो आई है 9:3:3:1। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है कि 160 सीड्स में कितने हमारे पास में वेरिएशंस आए हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, रेशियो को 9/16 करेंगे क्योंकि टोटल प्लांट्स हमारे पास 16 है, तो 9/16 × 160 90 आ गए, 3/16 × 160 30, 3/16 × 160 upon 30 = 30 एंड 1/16 × 160 दैट इज 10। हमें मिलेंगे 90 प्लांट्स हमें मिलेंगे राउंड येलो, 30 मिलेंगे हमें कौन से वाले, 30 मिलेंगे हमें रिंकल्ड येलो, 30 मिले राउंड ग्रीन सॉरी, और 30 मिलेंगे हमें रिंकल्ड येलो एंड 10 मिलेंगे हमें रिंकल्ड ग्रीन कलर के। तो ये हमारे नंबर आउट ऑफ 160 प्लांट्स हमारे पास में 30 30 10 ये हमें मिल गए वेरिएशंस, ठीक है। सिंपल मैथ्स है इसमें, आप देखो बच्चों सीधी सी बात है कि अगर आप लोग रटने का काम करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैथ्स भी आप इसमें लगा सकते हो। CBSE ने इस बार बायो में भी क्या किया है, बायो में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर दिए, रट के बायो भी नहीं आप कर सकते, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है CBSE सैंपल पेपर का वो है गैस ए फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर is a deadly poison but is essential for all living beings. The amount of this gas started declining sharply in the 1980s. Identify gas A. Gas A upper layer में atmosphere मिलती है, ये हमारा upper layer atmosphere की, उसमें जो gas मिलती है इसको हम ozone layer बोलते हैं। Deadly poison होती है, poisonous होती है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा useful भी है क्योंकि ये sun की ultraviolet radiations को earth तक आने से रोकती है, एक blanket की तरह से काम करती है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत सारे जो एक्टिविटीज के थ्रू इस ओजोन लेयर में भी होल बना दिए हैं। होल का मतलब हो गया वहां से ओजोन लेयर पतली होती चली गई, ठीक है। तो हाउ इज इट फॉर्म्ड एट हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो गैस का नाम तो क्या हो गया, ओजोन हो गया। कैसे बनती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है
ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दो ऑक्सीजन एटम्स में टूट जाता है। इसमें टूटता है दो ऑक्सीजन एटम्स में टूटता है, इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब एक मॉलिक्यूल एक एटम ऑक्सीजन का नेसेंट ऑक्सीजन का जो ऑलरेडी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करके ओ थ्री बना देता है, दैट इज द ओजोन, ओजोन गैस बना देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाते हैं टू फॉर्म ओजोन। ओजोन शील्ड का काम क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है, इसके अलावा बहुत सारे कैंसर हैं, स्किन की डिजीज है, उन सबसे हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपनी एक्टिविटीज से पॉल्यूशन के थ्रू, रेफ्रिजरेंट्स यूज करके, फायर एक्सटिंग्विशर्स के थ्रू हमने इस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दिया, इसको पतला कर दिया। ठीक है, तो ओजोन लेयर क्या करती है, हार्मफुल रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, देखो यहाँ पर है व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, क्योंकि ये फिल्टर आउट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को और अर्थ पे लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। कॉज क्या हो गया डिप्लीशन का, कॉज हो गया तरह तरह के रेफ्रिजरेंट्स यूज करना, फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करना, नाइट्रोजन मतलब पॉल्यूटेंट्स को यूज करना, तो इन सब से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती चली जा रही है। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो सेक्शन सी था हमारा, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन थे, उनमें से एक क्वेश्चन हमारा बायो का भी था। साहिल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन्स। साहिल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने जीन्स के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया। उसने टॉल पी प्लांट को क्रॉस कराया शॉर्ट पी प्लांट से, बस F1 जनरेशन में उसे जितने प्लांट्स मिले वो सारे के सारे टॉल थे। व्हाट विल बी सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन, बहुत सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये, कि टॉल पी प्लांट को उसने क्रॉस करवाया शॉर्ट पी प्लांट के साथ में, गैमेट हमें क्या मिला कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को जो फर्स्ट F1 प्रोजेनी मिली हमें वो मिली हमें टॉल, ऑल टॉल, क्योंकि डोमिनेंट जीन जो थी वो टॉलनेस की थी। ठीक है, अच्छा, when F1 plants were self-pollinated, a total of 800 plants were produced. अब इस F1 को उसने self-pollinate करवा दिया। Self-pollinate करवाने के बाद में total 800 plants produce हुए, उनमें से कितने tall थे, कितने medium थे और कितने short थे, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। Give the genotype of F2 generation. ठीक है, तो genes में F1 generation है, ठीक है, F1 generation है, टॉल प्लांट्स ऑब्जर्व हुए F1 जनरेट प्रोजेनी में, क्योंकि जो डोमिनेंट जीन थी वो थी कैपिटल टी। अब डोमिनेंट जी कैपिटल टी थी, तो जब भी हमें ट्रेट मिलता है, जब भी हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है, तो हमेशा डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो इसे हम कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब साहिल ने इसको क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, यानी कि सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया। अब 800 प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेट करवाने के बाद में, अगर सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो सेल्फ पॉलिनेट करवाने के बाद में जो उसे प्लांट्स मिले, अब देखो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेट पर जो उसको रेशियो मिली वो मिली कितनी, कैपिटल टी दो मिल गए उसको, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिला उसमें स्मॉल टी, तो 3:1 की रेशियो है। 3:1 का मतलब है 3 प्लांट्स तो थे टॉल और 1 था ड्वार्फ। ठीक है, बिकॉज डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस करती है। अब 800 प्लांट्स थे, तो 800 में अगर हम रेशो निकालते हैं, टोटल प्लांट्स कितने थे, 4। टोटल प्लांट्स 4 थे, तो वो जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। टॉल प्लांट थे 3 अपॉन टोटल प्लांट्स इंटू 100, हमारे पास में नंबर आया 600। तो 600 जो थे वो तो थे टॉल और 200 थे ड्वार्फ। अब एक और जो क्वेश्चन इसी का ऑप्शनल था, व्हेन F1 प्लांट्स वर क्रॉस, यहाँ पर तो उसने सेल्फ पॉलिनेट किया था, देखो यहाँ सेल्फ पॉलिनेट किया था, अपने आप को अपने साथ में ही उसने सेल्फ पॉलिनेट यानी कि फ्यूज करवा दिया था, फ्यूजन जो था कैपिटल टी स्मॉल टी का ही था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रॉस पॉलिनेट करवाया विद प्लांट्स हैविंग स्मॉल टी जीन्स, ये यहाँ पर ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब उसे जो ऑफस्प्रिंग्स मिले वो क्या मिले, यहाँ पर फिर हम रूल फॉलो करेंगे 13, 23, 14, 24 का। 13 का मतलब है फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ।
23 सेकेंड का थर्ड के साथ, सेकेंड का थर्ड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, सेकेंड का थर्ड के साथ में करेंगे स्मॉल टी आ गया, उसके बाद 14, 14 का मतलब हो गया फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और 24 का मतलब हो गया सेकेंड का फोर्थ के साथ में करेंगे तो स्मॉल टी, ये हमें चार ट्रेड्स में, चार ट्रेड्स में। अब यहाँ पर देखो कैपिटल टी स्मॉल टी 50% हो गए टॉल और 50% हो गए ड्वार्फ, आउट ऑफ 800 400 ड्वार्फ हो गए एंड 400 हमारे पास में आ गए टॉल प्लांट्स। ठीक है, तो ये हमारा बायो का पेपर था पूरा, जो मैंने आप लोगों का सैंपल पेपर सॉल्व किया है, आंसर्स भी गिवन है इसमें। कहीं भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, आप मुझे मैसेज के थ्रू मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। और इसके अलावा जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन है वो मैं अपने दूसरे सेशन में, इसके अगले वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, उनको भी आप आराम से इजीली देखना। फिर से कह रही हूँ, कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा, रटने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा।